हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बोटी मसाला। देखिए ये हमारी कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर के रेडी हुई है। आप इसको रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हो, ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिसके लिए मैंने 600 ग्राम गोश्त लिया है, इसको मैंने अच्छे से धोकर के साफ़ कर लिया है। और इसको देखिए, इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लिया है। अब गोश्त को हम बॉईल कर लेंगे। ये गोश्त को देखिए मैंने कुकर में ऐड कर दिया है और चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। अभी मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, नमक को इसमें ऐड कर देंगे। या आधा चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। या आधा चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको हम गोश्त में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम गोश्त में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको 2 मिनट ऐसे खुला पकाएंगे। हमारे गोश्त को देखिए करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इस तरीके से खुला पकते हुए। और देखिए इसने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसमें सीटी आने देंगे। ये कुकर में देखिए सीटी आ चुकी है। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट पकाएंगे, गोश्त को गला लेंगे। आपके कुकर में कम या ज़्यादा जैसा भी टाइम लगे आप गोश्त को गला लें। ये हमारे गोश्त को लो फ्लेम पे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसकी स्टीम को खुद ब खुद ही निकलने देंगे। अभी देखिए मैंने 3 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्ची लिए हैं। मैंने इन सभी को अच्छे से धो लिया है। टमाटरों की हम प्यूरी बना लेंगे, हरी मिर्च को हम लंबा लंबा पीसेस में कट कर लेंगे और प्याजों को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये हरी मिर्च और प्याज को देखिए मैंने कट कर लिया है और टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है। अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। ये कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं करीब 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड कर दूंगी। मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ, आप चाहो तो इसमें दूसरा ऑयल भी ले सकते हो। अभी ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बघार ऐड करेंगे। तो देखिए ये मैंने 3 छोटी इलायची ली है और 1 बड़ी इलायची ली है। इनको मैंने इमामदस्ते में कूट लिया है। ये 1-2 टुकड़े मैंने जावित्री के लिए हैं, 4-5 लौंग ली हैं, करीब 10-12 काली मिर्च ली हैं, 2-3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं और ये मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं। ये बड़े थे इस वजह से मैंने इनको तोड़ लिया है। बघार को हम इसमें ऐड कर देंगे और बघार को हल्का सा पकाएंगे। अब इसमें हम प्याज़ों को ऐड कर देंगे। प्याज़ों को मिक्स करेंगे और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये प्याज देखिए फ्राई हो चुकी हैं। अभी मैंने आधा चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट लिया है और आधा चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको हम मिक्स करेंगे और करीब 2 से 3 बार हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके लहसुन अदरक की भुनाई कर लेंगे। लहसुन अदरक की देखिए बुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाला ऐड करेंगे। तो देखिए ये मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, ये 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला लिया है और आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। ये मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये मसालों की बुनाई कर लेंगे। ये कुकर की स्टीम भी देखिए निकल चुकी है। अब इसको भी हम खोल करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, फिर भी हमारे गोश्त ने इतना सारा पानी छोड़ दिया है। अब चूल्हे को तो हम ऑन करेंगे और इस पानी को हम सुखा लेंगे। अब गोश्त को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब पानी को हम अच्छे से सुखा लेंगे। अब इसमें एक बार हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे। ये मसालों की भी देखिए भुनाई हो चुकी है। अब हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी, प्यूरी को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे। अब ये देखिए ये मैंने 4 चम्मच भर के घर के दूध की फ्रेश मलाई ली है, ये मलाई को हम इसमें ऐड कर देंगे। और 4 चम्मच भर के मैंने दही लिया है, दही को मैंने फेंट लिया है, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे।
अब ये मैंने दही, मलाई और टमाटर की प्याली को खंगाल लिया है। ये थोड़ा सा पानी है, पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको हम मिक्स करेंगे और इनकी हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। अभी हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसमें बॉईल आने देंगे। तब तक हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें दही डाला है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा दही फट जाएगा। ये गोश्त का पानी भी देखिए सूख चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। ये मसाले की देखिए बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। अभी मैंने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। गरम मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको हम मिक्स करेंगे और मसाले के साथ हम गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मिर्ची और नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, जैसा भी आपको पसंद हो। ये गोश्त की और मसाले की देखिए भुनाई हो चुकी है। अब हमने जो हरी मिर्ची काटी थी उनको इसमें ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्चियों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम करीब आधा गिलास जितना पानी डालेंगे। अगर आपको शोरबा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। ये देखिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला है। ये पानी को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। इस सब्ज़ी में देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अब फ्लेम को तो हम लो कर देंगे और इसको हम ढक देंगे और ढक करके हम इसको करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि गोश्त में मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। हमारी सब्ज़ी को लो फ्लेम पे पकते हुए देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको मैंने धोकर काट लिया है। धनिया को इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया हम इसमें से बचा लेंगे क्योंकि इसको हम बाद में ऐड करेंगे। धनिया को इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर के रेडी है। अब फ्लेम को तो हम ऑफ़ कर देंगे और सब्ज़ी को हम डिश आउट कर लेंगे। ये सब्ज़ी को सर्व करने के लिए देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से और डाल देंगे। तो देखा आपने, ये हमारी कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर के रेडी हुई है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार ये बोटी मसाला ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।